लिए गाइस ये रेसिपी ना काफी लोग जानते हैं, पर बनाने का जो तरीका होता है वो सबके अलग अलग होते हैं। तो चलिए बनाते हैं गुलाब जामुन की रेसिपी, वो भी मेरे स्टाइल में। सो मैंने यहाँ लिया गुलाब जामुन का पैकेट, 2 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, थोड़ी सी मिल्क एंड चाशनी के लिए चीनी एंड इलायची। तो चलिए पहले हम बनाते हैं चाशनी यानी शुगर सिरप। इसके लिए मैंने लिया है 4 ग्लासेस ऑफ वाटर, 250 ग्राम शुगर, फिर मैंने इसे थोड़ी देर बॉईल होने दिया, फिर इसमें मैंने ऐड की थोड़ी सी इलायची। आपको ये शुगर सिरप बनाने के लिए ना करीब 20 टू 25 मिनट्स तो लग ही जाएंगे। सो गाइस शुगर सिरप यानी चाशनी बनकर तैयार है, सिर्फ गुलाब जामुन की कमी है। तो चलिए बनाते हैं गुलाब जामुन की। तो मैंने यहाँ पे लिया गुलाब जामुन का पाउडर, उसमें मैंने ऐड की 2 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर एंड मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर दिया। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ मिल्क। आपको ना बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो डो है वो बिल्कुल गीला ना हो, और अगर गीला हो भी जाता है तो आप इसमें ना मैदा ऐड करके सेट कर सकते हो। तो गाइस गुलाब जामुन गोल 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 बनकर तैयार है, सिर्फ इसे फ्राई करने की देरी है। तो चलिए हम इसे फटाफट फ्राई कर देते हैं। तो फ्राई करने के लिए ना मैंने ली एक कढ़ाई, उसमें ऐड की बहुत सारा ऑयल एंड ऑयल हीट होते ही जो हम गोले बनाकर रखे थे मैंने इसमें ऐड कर लिए। तो फ्राई करने से पहले ना आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो फ्लेम है ना वो लो फ्लेम होनी चाहिए। अगर गलती से भी आप हाई या मीडियम फ्लेम रखते हैं तो आपका जो गुलाब जामुन है ना वो अंदर से कच्ची की कच्ची रह जाएंगे और आपको लगेगा कि आपके गुलाब जामुन बन चुके हैं। उसके बाद ना आपको लेना है थोड़ी सी गर्म चाशनी एंड उसमें ऐड करनी है गुलाब जामुन। आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी जो चाशनी है वो भी गर्म रहनी चाहिए एंड जो गुलाब जामुन हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो भी फ्राई होते तुरंत ही इसमें होनी चाहिए। तो गाइस बहुत ही लाजवाब टेस्टी यम्मी गुलाब जामुन बनकर तैयार है। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना, और अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।